नमस्कार, वेब वार्ता में आपका स्वागत है। जेएनयू आंदोलन को लेकर अब राजनीतिक पार्टियां भी आमने सामने हो गई हैं। आज हम वेब वार्ता में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं वेब दुनिया के संपादक जयदीप कर्णिक जी। यदि जी, भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कांग्रेस की राष्ट्रपति पर सवाल उठाया है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज हम किन मुद्दों पर राजनीति करेंगे और किन मुद्दों पर राजनीति नहीं करेंगे, इसके लिए कोई लक्ष्मण रेखा होगी या नहीं होगी इस देश के विमर्श में। आप स्वतंत्र हैं कांग्रेस की विचारधारा को पुष्पित पल्लवित करके प्रचारित करने के लिए। मजबूत विपक्ष किसी भी लोकतंत्र के लिए बेहद जरूरी होता है और सत्ता पक्ष की तमाम नीतियों पर आपको लगातार नजर रखकर उस पर करारा प्रहार करना चाहिए, जहां भी लगे कि लोकहित की बात नहीं है। इस देश के लिए समाजवाद, वामपंथ, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, कांग्रेस की, सबकी जरूरत है। और सब इस देश में तीन राज्यों में वामपंथी सरकार भी है। कांग्रेस सत्ता में रही, लंबे समय तक रही, आज नहीं है और वो सत्ता में आने के लिए संघर्ष कर रही है। ठीक है, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सब कुछ जरूरी है, लेकिन जब अमेरिका पर 9/11 का हमला होता है तो हमें कहीं से राजनीतिक छींटाखशी और छप्पर धराधरी की कोई आवाज नहीं आती। जब पेरिस पर हमला होता है तो पूरा पेरिस एक स्वर में कहता है कि हमारे राष्ट्र पर हमला हुआ है और हम एक हैं। लेकिन हमारे यहां पर एक इतने बड़े देश की राजधानी के हृदय स्थल में इतनी बड़ी घटना हो जाती है कि छात्र देश के विरोध में नारे लगाते हैं, उस अफजल गुरु के समर्थन में नारे लगाते हैं जिसने इस देश की संसद पर हमले की योजना बनाई। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में पाया कि, और उसके ऊपर हम राजनीति कर रहे हैं। बात अमित शाह की और राहुल गांधी की नहीं है। ना मैं अमित शाह की तरफ खड़ा हूं, ना मैं राहुल गांधी की तरफ खड़ा हूं। एक नागरिक होने के नाते, एक पत्रकार होने के नाते मैं इस देश के साथ खड़ा हूं, और जब इस देश को ललकारा जाएगा, हमारे राष्ट्र को ललकारा जाएगा, तो मुझे बल्कि अमित शाह जी से भी यह कहना है कि वो राजनीतिक बयानबाजी बंद करें, देश के लिए जिन्होंने गद्दारी का काम किया उनको सजा दें। और राहुल गांधी से मेरा निवेदन है कि वो जेएनयू के छात्रों के प्रति सहानुभूति, बात पूरे जेएनयू की नहीं लेकिन जो एक वर्ग है, आप देखिए उस वर्ग ने क्या किया है। और अभी तक बात यह हो रही थी कि शायद वीडियो सही नहीं है, और मैंने भी अपनी पिछली बात में वेब वार्ता में कहा था कि अगर वीडियो सही नहीं है तो उसकी तस्दीक हो, लेकिन जिन्होंने भी ये काम किया है, आज जेएनयू के एक छात्र हैं हर्षित अग्रवाल, उन्होंने अपना एक ब्लॉग लिखा है। उन्होंने कहा है कि 9 फरवरी की इस घटना के वो चश्मदीद हैं, वो खुद जेएनयू के एक छात्र हैं, 2.5 साल से वहां पर पढ़ रहे हैं, और उन्होंने उसमें सारी लगभग एक हाथ नारे को छोड़ दिया जाए जो वो कहते हैं कि वो निकल गए थे, वो नहीं सुन पाए, बाकी सारे नारे उन्होंने खुद सुने। तो आप भाई साहब वहां खड़े रहकर नारे क्यों सुन रहे थे? क्या आप उन नारों का विरोध नहीं कर सकते थे? आपकी मां को, आपके परिवार को कोई गाली देगा आप सुनते रहेंगे? क्या ये राष्ट्र आपकी धरती आपकी जमीन नहीं है? इस पर कैसे राजनीति हो सकती है, मेरे लिए समझना मुश्किल। पूरी दुनिया हंसेगी हम पर, हम अपने राष्ट्र के साथ नहीं खड़े हो सकते तो किसके साथ खड़े हो सकते हैं? और इन मुद्दों पर राजनीति करने का सवाल कहां से पैदा होता है? यदि भी देश के गृहमंत्री राजनाथ सिंह कहते हैं कि आंदोलन को हाफिज सईद का समर्थन प्राप्त है, बहुत ही गंभीर बात है। देखिए, इसके लिए जरूरी है कि वो देश के गृह मंत्री के एक बहुत जिम्मेदार पद पर बैठे हैं। एक ट्वीट आया है और कहा यह जा रहा है कि वो जो ट्विटर अकाउंट, क्योंकि उस पर वेरीफाइड का साइन तो नहीं आ रहा है, क्या वो सचमुच हाफिज सईद का है? हाफिज सईद का फोटो लग जाने से वो ट्विटर अकाउंट उनका नहीं हो जाता। हम सब जानते हैं कि तकनीक की दुनिया में क्या क्या संभव है। पहले तो ये तथ्य जानना जरूरी है कि ये किस आधार पर राजनाथ सिंह जी ने कहा, केवल ये ट्वीट है या गृहमंत्री होने के नाते उनके पास ऐसी और अन्य खुफिया सूचनाएं हैं, और अगर वो खुफिया सूचनाएं हैं तो उन्हें सार्वजनिक करना चाहिए, देश के साथ साझा करनी चाहिए। मैं फिर से कह रहा हूं कि ये महज राजनीतिक बयानबाजी का मसला नहीं है, गंभीर मसला है। अगर हमारे देश में, इतने बड़े विश्वविद्यालय में, देश की राजधानी में, हृदय स्थल में देश के खिलाफ इस तरह की साजिश रची जा रही है, देश के नौजवानों को भरगलाया जा रहा है, भटकाया जा रहा है, इस तरह के नारे लगा सकने की स्थिति में उनको लाया जा रहा है, वो कह रहे हैं कि देश की बर्बादी हो जाने तक हम इस जंग को जारी रखेंगे, किस जंग को, किससे आजादी चाहिए, किसके खिलाफ आप लड़ रहे हो, क्यों लड़ रहे हो, कौन सी आजादी आप हासिल करना चाहते हो? अगर आप धर्म के नाम पर मुल्क के बंटवारे की बात कर रहे हो तो वो 47 में हो चुका, जो लोग चाहते थे कि मुल्क बढ़ जाए और वो लोग उस मुल्क के उस तरफ जा चुके हैं, जिन लोगों ने स्वीकार किया कि वो हिंदुस्तान के नागरिक है और यही रहना चाहिए, वही यहां पर है। और उसके बावजूद अगर आप इसके और टुकड़े होने की हसरत देख रहे हो तो मुझे लगता है कि जब तक इस देश का स्वाभिमान जिंदा है, जब तक इस देश के नागरिकों में राष्ट्रीयता का बोध जिंदा है, तब तक आपके सपने साकार नहीं होने वाले। यदि कि आंदोलन देखकर यह नहीं लगता कि छात्र हित कम और राजनीति ज्यादा हो रही है? आश्चर्य इसी बात का है, छात्र अगर इस बात की लड़ाई लड़ रहे होते कि हमारे यहाँ पर परिसर में गंदगी है, हमारे अंक ठीक से नहीं दिए जा रहे, परीक्षाओं की व्यवस्थाओं का संचालन ठीक से नहीं है, हमें कैंपस के अंदर ठीक से वाईफाई नहीं मिल पा रहा है, आधुनिक तकनीक, हमारे सारे कैंपस और सारे हॉस्टल हाई वाईफाई वाले हो जाने चाहिए, हमें अच्छे अध्यापक मिलने चाहिए, हमें नए कोर्स पाठ्यक्रम चालू करने हैं, इसके अलावा चूंकि आप कॉलेज के नौजवान हैं, आपको वोट देने का भी अधिकार 18 साल की उम्र में मिल जाता है, राष्ट्रीय विमर्श से, मुद्दों से जुड़ना चाहते जुड़िए, उसका भी एक तरीका है। क्या राष्ट्र विरोधी नारे लगा लेना प्रगतिशीलता का परिचायक है? क्या अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर अपने राष्ट्र को गाली देंगे? और मुझे सबसे ज्यादा आश्चर्य इस बात का है कि कुछ लोग इसका समर्थन कर रहे हैं।
नए नए दलीलें लाकर और ये कह रहे हैं कि समूचे, हाँ हम भी मानते हैं समूचे जेएनयू का दोष नहीं है, लेकिन उस जेएनयू के लोग अगर उसको तमाशा बनाकर देख रहे हैं, उस जेएनयू के लोग अगर ये कह रहे हैं कि हाँ ये छात्र जो थे इनके खिलाफ कोई कार्रवाई मत कीजिए, तब तो फिर पूरे जेएनयू का दोष माना जाएगा। आप एक संस्था के रूप में उन राष्ट्रद्रोही छात्रों के साथ खड़े हैं या नहीं खड़े हैं? देखिए अब वक्त ऐसा आ चुका है कि आप बीच की राह पर चलकर गड्ढमड्ढ बातें करके अपना वक्त नहीं गुजार सकते, आपको पक्ष लेने होंगे और सीधे और स्पष्ट तरीके से पक्ष लेने होंगे। मैं उन लोगों के साथ कतई नहीं खड़ा हो सकता, चाहे वो एबीवीपी के हों चाहे आईसा। बात एबीवीपी आईसा अफसा की है ही नहीं, जो लोग इस देश के खिलाफ नारे लगा रहे हैं हम उनके खिलाफ हैं। जेएनयू के तमाम प्राध्यापक और बुद्धिजीवी जो उनके पक्ष में बातें कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कन्हैया कि आप सिर्फ ये बता दीजिए क्या वो नारे सही थे, क्या इस देश के खिलाफ इस तरह की बातें की जानी चाहिए, बात खत्म। हमारे सैनिक सियाचिन में जान देते हैं, बॉर्डर पर जान देते हैं, दूसरी तरफ राजनीतिक पार्टी को अगर हम देखें वहां देशहित से ज्यादा पार्टीहित महत्वपूर्ण है। सबसे बड़े अफसोस की बात यह है कि आप पार्टीवाद की जो लड़ाई है, आपकी राजनीतिक विचारधाराओं की लड़ाई है, संसद के भीतर, संसद के बाहर, सड़कों में, गलियों में, चुनाव के दौरान सब तरह की लड़ाई लड़ी है, लेकिन एक मसला जो है कि राष्ट्र की संप्रभुता, उसी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का हमने जो उद्देश्य पढ़े थे उनकी वेबसाइट उसमें लिखा है कि वो राष्ट्रीय एकता के लिए काम करेगा। क्या राष्ट्रीय एकता का काम है? इस मुद्दे पर अगर कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, समूचे वाम दल, सपा बसपा सारे लोग मिलकर जब एकजुट होकर कहेंगे कि हम इन छात्रों की इन हरकतों को, तब जाकर देश की आवाज कहां। तो यह होना चाहिए था कि एक सर्वदलीय बैठक होती, सारे दल एक साथ मिलकर कड़े शब्दों में इस तरह की हरकतों की निंदा करते। मुझे अफसोस है वो देखने की वजह हमें राजनीतिक छींटाकशी देखने को मिल रही है। और मैं तमाम बुद्धिजीवी, बड़े बड़े पत्रकार जिनकी मैं बड़े इज्जत बड़ा सम्मान करता आया हूं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जनाब आप किस तरीके से इस तरह की हरकतों के साथ खड़े नजर आ सकते हैं? आपको इसमें भारतीय जनता पार्टी और संघ का षड्यंत्र नजर आ रहा है, वो राजनीतिक विरोध, वो राजनीतिक द्वेष अपनी जगह है, लेकिन क्या देश के विरोध में लगे गए नारों को आप सहन कर सकते हैं? आपने कई जगहों पर तो कश्मीर के जो अलगाववादी हैं उनका तक समर्थन कर दिया है, आपने कहा है कि कोई गलत नहीं है वो जनमत संग्रह की मां। अरे आप मुझे बताइए, एक काम करते हैं, जितने लोग इसके समर्थन में खड़े हैं, और मैं यहां पर ये पूरी चुनौती और दावे के साथ कह रहा हूं, किसी मजाक में नहीं कह रहा हूं, जितने लोग इस तरह की हरकतों का, कश्मीर के अलगाववाद का समर्थन कर रहे हैं, मुझे उनके सबके नाम पते चाहिए। मैं उन सबके घर जाना चाहता हूं, उनके घर में खड़े रहकर उनको गाली देना चाहता हूं, उनको सहन करनी होगी। कुछ समय बाद में उनको उनके घर से निकाल दूंगा, उनके घर में रहूंगा, फिर इस बात पर जनमत होगा कि इस घर में कौन रहेगा। उस घर में अगर मैं रह रहा हूं तो घर पर हक मेरा होगा। क्या वो तैयार है? ये देश हमारा घर है, हमारे घर में खड़े होकर कोई हमारे खिलाफ गाली देगा, नारेबाजी करेगा, क्या आप सहन करेंगे? आप कश्मीर की पूरी डेमोग्राफिक प्रोफाइल को चेंज कर दें, वहां से लोगों को लात मारकर बाहर निकाल दें और फिर कहें कि आप जनमत संग्रह होना चाहिए, मैं आपके घर से आपको निकाल देता हूं और फिर मैं तय करूंगा कि इस घर में कौन रहेगा, क्या आप तैयार हैं इस बात के लिए? यह उतनी गंभीर बात है। किस तरह के तर्क ला रहे हैं आप अपने समर्थन में? आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का विरोध आपके सिर पर, मैं आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं हूं, लेकिन मैं देश के साथ जरूर हूं, और एक सरकार के नाते अगर एनडीए की सरकार कुछ गलत करेगी तो उसके खिलाफ आवाज उठनी चाहिए। आप तथ्य दीजिए, तर्क दीजिए, घोटालों को उठाइए, जो कुछ उन्होंने गलत किया कीजिए। अगर आपको लगता है कि मोदी क्यों सरकार में आ गए और आपकी आंखों में चुभ रहा है, तो आप इस तरह की लड़ाई लड़िए कि आपके पास लोकतांत्रिक अधिकार है कि वो आप उस सत्ता पर बैठ जाए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लोकतंत्र में हक है। फिर आप उस नक्सलवाद का भी समर्थन कर रहे हैं जो बंदूक के जरिए सत्ता हासिल करना चाहता है, चुनाव लड़िए ना, वोट हासिल कीजिए ना। इसी देश में एक आम आदमी की पार्टी बनी है जो 2 साल में इतने प्रचंड बहुमत तक पहुंच गई है, ये इस देश के लोकतंत्र की ताकत है। क्या इसमें आपको भरोसा नहीं है, इस लोकतंत्र पर? आप किस तरह की बातें कर रहे हैं जनाब? मैं दुखी हूं, व्यथित हूं, मैं इस आक्रोश के लिए भी चाहे हो सकता है कि उत्तेजना में बहुत बातें हो रही है, लेकिन मुझे इस बात का अफसोस है कि लोगों को राष्ट्र के साथ, आप उस हनुमंतप्पा की तो सोचिए जिसने इस देश के लिए जान दी, उसके लिए श्रद्धांजलि के शब्द नहीं है आपके पास? उसकी सांसें बची यह हम सबके लिए सौभाग्य की बात है, नहीं तो वो 10 शहीद बस आंकड़ा बनकर रह जाते। हम कहते कि 10 जवान जो थे सियाचिन में देश के लिए शहीद हो गए, लेकिन चूंकि उस हनुमंतप्पा की जीवटता थी, शिद्दत थी कि उस 25 फीट बर्फ के नीचे उस 19,000 फीट की ऊंचाई पर 6 दिन तक जिंदा रहा, और जिंदा रहने के बाद जब वो यहां आए तो हमें संदेश मिला। हम सब जो अपनी आज की भौतिकवादी जिंदगी में उलझे हुए हैं, वातानुकूलित कमरे में बैठकर विमर्श करते हैं, उन्हें पता लगा कि देश के जवान सरहदों पर देश की रक्षा किन कठिन परिस्थितियों में करते हैं, और कई लोगों को यह कहने के लिए मजबूर होना पड़ा कि आखिर सियाचिन पर इन बर्फीली चोटियों पर लड़ाई लड़ने का मकसद क्या है, क्यों हमने उसको युद्ध का मैदान बना रखा है जहां पर प्रकृति की इतनी भयानक विनाश लीला रची जा चुकी। तो हमको हमारे ऐसे सैनिकों पर, उनकी शहादत पर गर्व होता है, और ऐसे हनुमंतप्पा हमें अपनी नींद से जगाने का काम करते हैं, जो बताते हैं कि हम जो ये भौतिक विलास, बुद्धिक विलास कर रहे हैं, उससे परे जाकर देश की सरहदों की रक्षा करना सचमुच कितना कठिन काम है। धन्यवाद जयदीप जी। हम चर्चा कर रहे थे जेएनयू छात्र आंदोलन की, अगली बार फिर किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।